हरिओम बच्चों, मैं हूँ विरोजा, आपका हिंदी अध्यापिका हूँ। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 3 से चौथी पाठ यानी फोर्थ चैप्टर। पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। यह एक कविता है। आपको मालूम है हमारे साहित्य की दृष्टि से हिंदी में दो भाग है, पद्य भाग और गद्य भाग। गद्य माने प्रोज है, पद्य माने पोएट्री है। पद्य के अंदर क्या क्या आते हैं? कविताएं आते हैं, दोहे आते हैं। इसी तरह आज हम एक पद्यांश यानी एक पद्य के पद्य भाग के एक कविता के बारे में जानेंगे। इस कविता का कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा जी। उसका जीवन परिचय इसी प्रकार है। लेखक का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा। उसका जन्म हुआ है 1903 को और उसका मृत्यु हुआ है 5 अक्टूबर 1981 को, यानी उसका जन्म हुआ 30 अगस्त 1903 एंड उसका मृत्यु हुआ 5 अक्टूबर 1981 को। इसका पाठ का प्रवेश यानी कविता का इंट्रोडक्शन इसी प्रकार है। आप ध्यान से सुनिए, मैं पढ़कर आपको समझूंगी। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियों बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया है। इस कविता में कवि ने क्या क्या दर्शाया है? उसका हृदय के भावों के बारे में यानी उसकी मन में होने वाले भावों को दर्शाया है। उसका स्वभाव कैसा है? बहुत प्रेमपूर्ण है। इसकी समाज के द्वारा यानी इसकी दुनिया के प्रति उसका स्वभाव कैसा है? बहुत प्रेमपूर्ण है और उसने प्रेम को बांटना चाहते हैं यानी स्प्रेड करना चाहते हैं, खुशियाँ बांटना चाहते हैं, उसका हैप्पीनेस को, उसके पास रहने वाले हैप्पीनेस को भी बांटना चाहते हैं यानी स्प्रेड करना चाहते हैं। कहाँ स्प्रेड करना चाहते हैं? इस दुनिया में यानी इस वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति को यानी इस दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसका प्रेम या खुशी को बांटना चाहते हैं। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। मस्त मौल वो हाई चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देता है। इस कविता में कवि ने कैसा जीवन को जीते हैं? उसकी मनमर्जी का जीवन यानी उसके मन में क्या आते हैं वही वह करते हैं। किसी की बात को नहीं सुनते हैं। उसके बहुत मस्त करते हैं, मौल करते हैं यानी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देता है। हमको इस कविता के द्वारा क्या संदेश देता है, क्या बताना चाहते हैं कि हमारे प्रेम को यानी हमारे मन में रहने वाले प्रेम को यानी खुशियों को लोग दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को बांटना चाहते हैं यानी स्प्रेड करना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देती है कि हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखरते हैं और जीवन में देते। वे खुशियों का संचार करते हैं यानी उसके पास कैसा खुशियाँ है और उसके पास नहीं है तो किसी के स्थान पर यानी यहाँ पर खुशी नहीं है तो और एक स्थान को वह चुन लेते हैं यानी सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ जाकर उसका खुशियों से उसका जीवन को बिताते हैं। असफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते। क्यों नहीं देते? उसने हमें क्या कहते हैं, हमारे जीवन में किसी फेल्यूर आ गए तो और एक लोग के ऊपर यानी और एक व्यक्ति के ऊपर वह फेल्यूर को हमें दे देते हैं। इसी तरह हमारे कवि ने ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? उसका जीवन उसी मनमर्जी के साथ यानी उसके मन में क्या फीलिंग्स आते हैं वैसी तरह जीते हैं। इसीलिए उसका जीवन में क्या तो भी मुश्किल आए तो यानी कोई फेल्यूर आए तो उसके दोष किसी के ऊपर नहीं देते हैं। इस कविता में संदेश देती है कि हमें अपने सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफलता होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है, किसी और का नहीं। और सफल होती है तो भी श्रेय हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने की होती है। इस कविता के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि हमारा कवि ने किसी काम में सफलता मिली तो यानी सक्सेस मिली तो वह सक्सेस भी हमारा की मेहनत भी होती है। इसी तरह असफलता यानी अनसक्स हुए तो यानी फेल्यूर आए तो भी वह हमारा काम का रिजल्ट ही होता है। इसी तरह क्या आए तो भी, सक्सेस आए तो भी, फेल्यूर आए तो भी हमारा जीवन में वह
रिजल्ट को हमारे ऊपर यानी उसका श्रेय को यानी उसका आने वाले परिमाणों को यानी आने वाले विषयों को हर एक विषय को हमारे ऊपर ही रहना चाहिए। और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। हमें असफल हो जाने के बाद फेलियर हो जाने के बाद किसी अन्य को यानी दूसरी व्यक्ति पर वह नहीं देना नहीं है। हमारे ऊपर ही मेहनत हम ही करती है। वह सफल हो जाने के बाद या असफल हो जाने के बाद उसका रिजल्ट को उसका श्रेय को हम ही लेना पड़ता है। दोष किसी को नहीं देना पड़ता है। वे जब जीवन में कभी हार जाते हैं असफल हो जाते हैं इस सब का दोष किसी और को नहीं देते। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है जो कि कवि में देखी जाती है। हमको ऐसा हमें कॉमन पीपल तो नहीं कर सकते। हमें फेल्यूर आए तो क्या करते हैं, हमें एग्ज़ाम में फेल हो गए तो क्या करते हैं, हमारा टीचर ने अच्छा नहीं लेसन पढ़ाया है, हमको कुछ भी समझ नहीं आया है, वी डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन, वी ब्लेम द टीचर्स लाइक दैट वी डिडंट डू दैट इज़ वेरी बैड थिंग। वी हैव टू डू परिश्रम यानी मेहनत यानी वर्क वी हैव टू डू एंड एनी रिजल्ट इट इज़ सक्सेस या फेल्यूर वी हैव टू फेस इट सेम इन सेम वे। इस पाठ का सारांश इसी प्रकार है। आप देखेंगे प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। यानी इस कविता में उसने कैसा जीते है, बहुत मस्ती से जीते हैं यानी बहुत एंजॉय से जीती है। उसको कुछ भी बेफिक्री यानी कुछ भी डर ही नहीं है उसका ज़िंदगी के। ऐसा हो जाता है, हमें ऐसा करे तो ऐसा हो जाता है, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। उसका स्वभाव कैसा है, बहुत फ्री है, उसने बहुत एंजॉय करते हैं उसका जीवन को। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है खुशियाँ फैलाता है। ऐसा रहने वाले व्यक्ति यानी ऐसा एंजॉय करने वाले व्यक्ति ऐसा बेफिक्र रखने वाले व्यक्ति कैसा रहते हैं, कहाँ गए तो भी उसका खुशियाँ यानी हैप्पी कहा गया तो भी क्या करता है, खुशियों को यानी हैप्पीनेस को बांटते हैं यानी फैलते हैं। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो जाए आंखों में आए आंसू हो। उसके आंखों में आंसू या खुशी, उसके मन में बहुत दुख है तो भी उसने हमारे दुनिया को यानी हमारे संसार को हमारे वर्ल्ड को हमारे अन्य लोगों को क्या देना चाहते हैं, बहुत प्रसन्न देना चाहते हैं यानी हैप्पीनेस ही देना चाहते हैं। उसके मन में कितनी दुख है तो भी अन्य लोगों को क्या देते हैं, हैप्पीनेस ही देते हैं। उसका आंसू को कभी नहीं बांटते हैं, कभी नहीं स्प्रेड करते हैं उसकी बाधाओं को यानी दुखों को। उसने क्या बांटते हैं, क्या स्प्रेड कर रहे हैं, खुशियों को स्प्रेड कर रहे हैं। बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। उसने एक जगह नहीं टिकते यानी एक स्थान में नहीं रहते, एक दिन यहाँ रहते हैं, यहाँ पर खुशियाँ हो जाने के बाद और एक स्थान को यानी और एक जगह को ढूंढते जाते हैं। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। कुछ यादें यानी एक स्थान पर कुछ यादें देकर यानी कुछ खुशियाँ देकर और उसके साथ कुछ खुशियाँ लेकर यानी कुछ यादें, एक स्थान जाने के बाद कुछ लोग रहते हैं ना उसको इसके साथ रहने वाले यादें उसको बताते हैं और उसके यादों को यानी उसकी मेमोरीज़ को इसने लेते हैं। और उसका वह काम हो जाने के बाद यानी वहाँ पर खुशियाँ हो जाने के बाद उसका बांटने के लिए कुछ नहीं रहने के बाद क्या करते हैं, उसका सफ़र स्टार्ट कर लेते हैं यानी उसका जर्नी वहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और एक जगह को यानी और एक स्थान को और एक प्लेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और एक जगह को जाते हैं। एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं हमारा कवि ने। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि संसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। हमको यह पता चलता है कि उसने क्या बांटते हैं, क्या स्प्रेड करते हैं, उस सुख ही उसका मन में रहने वाले सुखों की यानी हैप्पीनेस को ही खुशियों की स्वीकार कर उसने हर एक को यानी सुख को और दुख को स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें बांटने समय क्या बांटते हैं, ओनली हैप्पीनेस ही बांटते हैं, हैप्पीनेस ही स्प्रेड करते हैं। कवि सांसारिक यानी एक संसार व्यक्ति नहीं है, वह एक दीवानी है यानी एक ही व्यक्ति है।
उसका कोई संसार का बंधन नहीं है, वह संसार की बंधनों से मुक्त है, यानी फ्रीडम पाने है उसने संसार के बंधनों से, यानी उसका संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, यानी फैमिली प्रॉब्लम से, यानी फैमिली बर्डन से फ्री हो गया है। इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है, इसीलिए इसी तरह इसने उसका फैमिली का बर्डन नहीं है, उसका फैमिली नहीं है, इसीलिए उसने सिंगल है, इसीलिए उसने संसार में कोई किसी को भी पराया नहीं देखते और अपना नहीं देखते, हर एक जीवी को एक ही तरह देखते। क्यों देखते हैं? इसी तरह उसको फैमिली नहीं है, हर एक जीवी को उसका फैमिली ही समझते हैं। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न है और सदा चलते रहना चाहते हैं। जिस जीवन को, यानी विच टाइप ऑफ लाइफ ही इज चूजन, ही इज चूजन वेरी फ्रीडमफुल लाइफ एंड एंजॉयफुल लाइफ, दैट्स वाई ही इज़ वेरी हैप्पी, और सदा चलते रहना चाहते हैं। माने वह कभी भी एक जगह नहीं रुकते हैं, माने एक ही जगह में, एक ही स्थान में गरबा ना कर उसमें फैमिली के साथ जीना उसको पसंद नहीं है। उसने कैसा पसंद उसे कैसा जीना पसंद है? सदा चलते रहना, एक ही स्थान में नहीं रहते हैं। एक स्थान में, एक गांव में 10 दिन रहे तो और एक स्थान को, और एक प्लेस को सेलेक्ट करके वहाँ जाकर वहाँ 5 दिन यहाँ ऐसा जाता रहता है, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं। इसी जीवन से वह बहुत हैप्पी है, बहुत प्रसन्न है। यह पाठ को हम शुरू करेंगे। मैं एक एक पद्यांश को पढ़कर आपको इसका भावार्थ और शब्दार्थ भी बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। मैं अब पद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यह कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। ये है पहला पद्यांश। यहाँ पर हमको कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। अब देखो, दीवानों अपनी मस्ती में रहने वाले, यानी उसकी मस्ती के अनुसार, यानी उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार रहने वाले, उसका जीवन को जीने वाले को क्या कहते हैं? दीवान कहते हैं। अस्थि का अर्थ है अस्तित्व, उसका अस्तित्व है, यानी उसका प्रेजेंटेशन है अस्थि का अर्थ। यह मस्ती, मस्ती माउस का अर्थ क्या है? एन्जॉयमेंट। आलम दुनिया, दुनिया का अर्थ क्या है? ओल्ड। उल्लास खुशी का अर्थ क्या है? हैप्पीनेस। इसका इस पद्यांश का भावार्थ इसी प्रकार है। अब देखेंगे, अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती है, मानी अपनी मस्ती में उसकी इच्छा अनुसार जीने वाले लोगों को एक अस्तित्व नहीं रहता है। हमको एक अस्तित्व रहता है, हर एक इंसान को, यानी हर एक व्यक्ति को एक अस्तित्व रहता है। हमको हर एक जीवी को एक पर्टिकुलर गांव रहता है, यानी पर्टिकुलर घर रहता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस रहता है। लेकिन ऐसा मस्ती में रहने वाले लोगों को, ऐसा एंजॉय करने वाले लोगों को एक अस्तित्व नहीं रहता है, उसका एक निर्दिष्ट स्थान नहीं रहता है। उसने कहाँ कहाँ रहते हैं, उसकी मर्जी अनुसार जाता है आता है, उसका अस्तित्व तो नहीं रहता है। क्या अस्तित्व है उसको? कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता है उसको, पर्टिकुलर एड्रेस नहीं रहता है। कभी यहाँ है तो कभी वहाँ, कभी यहाँ है तो एक दिन एक गांव में रहता है, दूसरे दिन और एक गांव में रहता है, इसी तरह वह जाते रहते हैं। इसीलिए उसको एक अस्तित्व नहीं रहते हैं। ये जगह तो रुकने वाले नहीं है, आज यह कल वहाँ चले, यानी कि जो मस्त मौल किस्म के व्यक्ति है वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते, आज यह है तो कल कहीं और रहते हैं। हमको ये बताना चाहते हैं कि कवि ने एक जगह तो रुकने वाले नहीं है, यानी एक स्थान, एक निर्दिष्ट स्थान नहीं है ऐसा लोगों को। उसने एक दिन यहाँ रहे तो एक दिन कहाँ रहते और एक जगह रहते हैं, यानी उस व्यक्ति मस्ती करता रहते हैं, जगह एक जगह नहीं ठहरते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं उसकी, कहाँ खुशियाँ मिलती है, कहाँ मस्ती मिलती है वहाँ चले जाती है। यह जो मौज मस्ती का आलम है यह साथ चला, जहाँ कभी गया वहाँ पर उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बांटी। हमारे कवि ने कहाँ गए तो, कहाँ जगह, किस स्थान पर वह गए तो, किस प्लेस को वह गए तो, वहाँ पर क्या बांटते हैं? उसकी मस्ती से, उसकी प्रसन्नता से, यानी उसकी एंजॉयमेंट से, और उसमें उसकी बातों से, उसकी खुशियों से क्या बांटते हैं, सबको भी
खुशियाँ बांटते हैं, यानी हैप्पीनेस को या आनंद को बांटते हैं। कभी भी दुख नहीं बांटते हैं, उसके मन में किसी भी दुख है तो कितने भी परेशानी है तो भी उसने क्या बांटते हैं, क्या स्प्रेड करते हैं, उसका खुशियों को, उसके पास रहने वाले खुशियों को ही स्प्रेड कर लेते हैं। कभी कहते हैं कि हम अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहाँ भी गए प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले, मौज मज़ा करते चले। उसने कहा गए तो भी क्या करते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, प्रसन्नता से धूल उड़ाते। उसके उसके मन में क्या चिंता आते हैं, क्या सोच आते हैं, वो उसको ही उसने करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसे ही होते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग से ही चलते हैं। ये इसका अर्थ यह है, उसका ढंग माने उसका स्वभाव क्या है, उसका आलोचन क्या है, उसका मन का स्वभाव क्या है, उसी तरह ही जीते हैं। किसी अन्य की बातों को नहीं सुनते हैं, उसको क्या सोच आते हैं उसी तरह वह जीना चाहते हैं। हम पर किसी का कोई असर नहीं होता। कभी कहते हैं वे अभी अभी आए हैं और खुशियाँ बांटी है, खुशियाँ लुटाई है, और अभी कुछ हुआ कि आंसू भी बनकर बहे निकले। हम पर किसी का कोई असर नहीं है, क्यों नहीं है, इसको संसार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको किसी भी नहीं है, इसीलिए उसका ऊपर किसी को भी भरोसा, किसी को भी क्या करने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या करते हैं, कहीं गए तो भी खुशियाँ बांटती है और खुशियाँ लेती है, उसका खुशियाँ वहाँ बांटती है और वहाँ पर रहने वाली खुशियों को यानी हैप्पीनेस को लेते हैं, और कुछ आंसू भी बनकर बहे निकलते हैं। क्यों आंसू देते हैं, उस जाने के बाद वहाँ पर लोगों ने कुछ आंसू आ जाते हैं, क्यों है, उसका यादों से उसको यहाँ से चले जाते हैं, उसकी याद से उसको कुछ आंसू भी देते हैं। अर्थात अभी अभी कुछ थे और अभी अभी दुखी हो गए हैं तो आंसू भी बह निकले हैं। कभी मस्त मौल किस्म के हैं, अपने मन मर्जी के मालिक है, कभी कहीं जाते हैं तो कभी कहीं के लिए चल पड़ती है, तो जहाँ पर पहुँचते हैं खुशियाँ लुटाते हैं और वहाँ से आगे निकल चलते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए और कब चले गए पता नहीं चला। उसने कहे गए तो भी वहाँ पर लोगों को क्या देते हैं, खुशियाँ देते हैं, और उस लोगों से क्या लेते हैं, खुशियाँ लुटाते हैं या खुशियाँ लेते हैं। लेकिन वहाँ पर लोगों ने क्या बोलते हैं, तुम यह कब आए और कब निकल गए ये तो पता नहीं चला, क्यों वह उसने कभी कहा रहने पर भी क्या देते हैं, खुशियाँ देते हैं, उसका रहने को समय के पता नहीं चलता है, उसने एक ही जगह में नहीं रहते हैं, इसीलिए वह उसने हर एक जगह को, हर एक स्थान को, हर एक प्लेस को छोड़कर और एक प्लेस को यानी और एक स्थान को जाते हैं उसकी खुशियाँ बांटने के लिए। उसकी लोग यहाँ पर लोगों ने क्या बोलते हैं, कब आए या कब चले गए पता नहीं चलता है, आपकी आना जाना ही नहीं पता नहीं चलता है। इसका प्रसंग और व्याख्या यहाँ पर दिया गया है, मैं एक बार पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और पकड़ स्वभाव का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या इसी प्रकार है, देखेंगे। इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है, वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती है। कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वही चारों तरफ प्रसन्नता का मोहल्ला हो जाता है। कवि रमत जोगी है, वह मन में उत्पन्न भावों की बांधी कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। इससे हमको बताना चाहते हैं कि कवि कैसा व्यक्ति है, वो एक मस्ती करने वाले व्यक्ति है, वो कभी भी खुशियाँ बांटती है, कहा गए तो भी उसकी खुशियाँ बांटती, खुशियाँ स्प्रेड करती है, वह और वहाँ रहने वाले खुशियों को लेते हैं और एक ही जगह पर नहीं रहते हैं, कभी भी फिरता रहता है, एक ही स्थान पर नहीं रहता है, एक दिन यहाँ रहे तो और एक दिन कहाँ रहता है उनको ही पता नहीं सकता है। इसी तरह की व्यक्ति है हमारी कवि।
दूसरी पद्यांश को मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। किसी और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक कर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पिए चले। यह कुछ शब्द दिए गए हैं। अब देखिए, जग का अर्थ है संसार, संसार का अर्थ आपको मालूम है चक कर तृप्त होकर, भाव एहसास भाव का अर्थ है हमारा फीलिंग्स है। इसका सारांश इसी प्रकार है, देखेंगे। कवि कहते हैं कि यह मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसने एक ही जगह पर नहीं रहते हैं, उसने जाते समय कुछ लोग पूछते हैं कहाँ जाते हैं आप, अब उसने कहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मत पूछो। क्यों मत पूछो? मुझे ही पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे ही पता नहीं मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, स्वयं को भी नहीं पता। मुझे एक डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे एक निर्दिष्ट गम्य नहीं है। मुझे क्या होना है? खुशियाँ होना है। खुशियाँ कहाँ मिलती? वहाँ पर मैं चले जाती है। मैं कहाँ जाता हूँ आप नहीं पूछिए। क्यों नहीं पूछिए? मुझे भी वह पता नहीं है, इसीलिए आप मत पूछिए मुझे से मैं कहाँ जाऊँगी। जैसा कि मैं मस्त मौला हूँ, एक जगह ठहरता नहीं हूँ, चलता ही रहता हूँ, इसीलिए बस आगे चलते ही रहना है। इस दुनिया को कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, कुछ सीख लिया है, उसको लेकर वह आगे बढ़े चला है। उसने क्या बोलते हैं हमको, क्या बताना चाहते हैं हमको? मैं एक मस्ती मौला करने वाले व्यक्ति हूँ, यानी एंजॉय करने वाले व्यक्ति हूँ। मैं एक जगह यानी एक प्लेस में नहीं रुक सकती है या नहीं स्टॉप कर सकती है, इसीलिए मैं चलता ही रहूँगा। मैं एक जगह से और एक जगह को चलता ही रहूँगा। इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है मैंने, कुछ लिया है, कुछ आपसे लिया है, कुछ सीख लिया है, उसको लेकर वह आगे बढ़ चलती हूँ। मैं आपसे लेने वाले खुशियों को और एक जगह पर बांटना चाहती हूँ, उन्हें और एक जगह पर स्प्रेड करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इस खुशियों को लेकर और एक जगह को जाना चाहते हैं, और एक प्लेस को जाना चाहते हैं। जो भी उसके पास था वे भी इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चल पड़े हैं। उसके पास क्या है? उसके पास खुशियाँ है और कुछ भी नहीं है। उस खुशियों को क्या करते हैं, उसने स्प्रेड कर रहे हैं यह दुनिया में, उसके इस वर्ल्ड में उसने उसके खुशियों को स्प्रेड कर रहे हैं। कवि जहाँ कहीं भी पहुँचे वहाँ के लोगों से खुशी खुशी से मिले और उनसे बातचीत की, अपना सुख दुख बांटा और अपने मन की बात कही। जब सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर हंसे भी, और जब उनको दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ अपना दुख भी बांटा। उसने क्या किया है, हर एक जगह जाने के बाद वहाँ पर लोगों का सुख भी दुख भी उसने ले लिया है, उसके बारे में उसने बातचीत की है। उसके बाद क्या है, उसके पास रहने वाले खुशियों को बांट लिया है और उस पूरा अनुभवों को लेकर और एक स्थान को यानी और एक प्लेस को जाते हैं, और उसके पास रहने वाले खुशियों को बांटने के लिए उनका भी सुख दुख बांटा। जो दुख सुख के समय भावनाएं जगी उनको एक दूसरे के साथ बांट, जिससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाती है। इससे हमको ये बताना चाहते हैं कि कवि ने हमारे मन में रहने वाली या सुख या दुख हो यानी हैप्पी या सैड ये सब फीलिंग्स को हमें किसी के साथ यानी किसी व्यक्ति के साथ हमारे फीलिंग्स को शेयर कर लिए तो यानी बांट कर लिए तो क्या होता है, हमारे मन में रहने वाले फीलिंग्स को यानी हमारे मन में रहने वाले बाधाओं को यानी फीलिंग्स को हमें फेस कर सकते हैं, यानी दुख है तो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हैप्पी है तो उनको भी हैप्पी रख सकते हैं, इसी तरह हमारा मन को हल्का हो जाता है। हमारे मन में रहने वाले फीलिंग्स को एक व्यक्ति से शेयर करने से क्या होता है, हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा मन में होने वाले बाधाओं को कम कर ले जाता है। जो सुख दुख के भाव है एक सामान हम गामों से पिए चले और आगे बढ़े चले। सुख दुख के भावन को हमें शेयर कर लेते हैं और वहाँ पर खुशियों को लेकर मैं आगे चले जाते हैं। इस पद्यांश का प्रसंग और व्याख्या इसी प्रकार है, आप ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस काव्यांश
में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कह रहे हैं। उसने भगवती चरण वर्मा ने इस काव्यांश के द्वारा यानी इस पद्यांश के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, अलग राह पर चलने की यानी और एक रास्ता पर। हर एक व्यक्ति ने ऐसा जीते हैं उसकी फैमिली के रिस्पांसिबिलिटी के बारे में या फैमिली बर्डन्स में जीते हैं, लेकिन हमारा कवि ने कैसा जीते है उसको फैमिली नहीं है, उसको कुछ भी बर्डन्स नहीं है, उसकी मन मर्जी के अनुसार यानी उसकी मन की इच्छा अनुसार वह जीना चाहते हैं। संसार जब कवि से जानना चाहते हैं अब वो किस ओर जा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। उसका निश्चित मंजिल यानी निश्चित डेस्टिनेशन, निर्दिष्ट स्थान या निर्दिष्ट घर नहीं है उसके लिए। किसके लिए? हमारा कवि के लिए। इसीलिए उसने कहा जाता है उसको भी नहीं मालूम है, नहीं पता है। मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। उसका स्वभाव क्या है? चलना ही उसका स्वभाव है। एक निर्दिष्ट स्थान में रहना उसका स्वभाव नहीं है। हर एक जीवी एक निर्दिष्ट स्थान या निर्दिष्ट एड्रेस में रहते हैं, निर्दिष्ट एड्रेस रहते हैं, पर्टिकुलर स्थान में रहते हैं, लेकिन हमारा कवि ऐसा नहीं रहते हैं। उसका स्वभाव क्या है? चलना ही उसका स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातों करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर नए सफ़र पर चले देती है। कवि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि संसार से यानी इस दुनिया से कुछ ज्ञान लेते हैं, यानी हर एक जगह से हर एक व्यक्ति से मैंने कुछ ना कुछ नॉलेज लेते हैं और मेरे पास रहने वाले कुछ नॉलेज को उनको देते हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, इसीलिए उसने क्या करते हैं, उसने कहा जगह कहीं प्लेस को गए तो क्या करते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों से उनके पूरा बातें सुनते हैं और उससे उसका 2-3 डेज बिताने के बाद उसका सुख दुख को जानते हैं और इसकी सुख दुख को भी उसको बांटते हैं और उसका हैप्पीनेस को वहाँ पर रहने वाले हैप्पीनेस को लेकर और नए सफ़र यानी न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं और एक जगह जाकर यहाँ लेने वाले खुशियों को वहाँ पर बांटने के लिए उसका सफ़र शुरू कर देती है। और एक पद्यांश है यहाँ पर, मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। हम भीख मांगे कि दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बार चले, अब अपना और पराया क्या आबद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे तो और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, आप ध्यान से देखो। भीख मांगे यानी भिखारियों, भीख मांगने माने बेग करना, स्वच्छंद आज़ाद यानी फ्रीडम, निशानी चिन्ह सिंबल उर हृदय हमारा मन हार्ट, असफलता जो सफल ना हो यानी फेल्यूर, बोझ यानी बार का अर्थ क्या है, हमारा बर्डन्स रहता है ना, हमारे फैमिली बर्डन्स ये पूरा उसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। आबाद बसना स्वयं खुद यानी सेल्फ, स्वयं क्या करना तो हमें स्वयं से करते हैं ना, उसको खुद बोलते हैं यानी स्वयं बोलते हैं। इस पंक्तियों का सारांश इसी प्रकार है, कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि यह जो दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं। भिखारी की आदत मांगना होती है, इस दुनिया के लोगों को उन्होंने भीख मांगे कहा है। भीख मांगों की इस दुनिया में अपनी मन मर्जी से अपना प्यार लुटा कर चले हैं, वे अपने हृदय में यही एक निशानी लेकर आगे चले हैं। उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, हार भी मानी है, लेकिन उसका बोझ स्वयं ही उठाया है, उसका बोझ किसी पर नहीं डाला है, अर्थात उसके लिए जिम्मेदार नहीं किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मानते हैं। जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वह आबाद। कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमको यह बताना चाहते हैं कि यह दुनिया भीख मांगने की दुनिया है यानी भिखारियों का दुनिया है, बेग करने वाली दुनिया है, तो कुछ ना कुछ किसी से भी हमें मांगता रहते हैं, हमें किसी चीज़ के बारे में या किसी वस्तु के बारे में भीख मांगते रहते हैं। भिखारी का आदत मांगना होती है, हमारी भिखारियों का आदत क्या है, उसका हैबिट क्या है, मांगना यानी बेग करना उसका हैबिट का। इसी दुनिया के लोगों को उन्होंने भीख मांगे कहा है, इस दुनिया पूरी दुनिया यानी पूरी वर्ल्ड को
वर्ल्ड के लोगों को यानी वर्ल्ड पीपल को क्या कहते हैं, भीख मांगे यानी बेगर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, भीख मांगे कि इस दुनिया में अपनी मन मर्जी से अपना प्यार लुटा कर चले हैं। इस भीख मांग के दुनिया से क्या लेते हैं, हमारा कवि ने प्यार लेते हैं उसके पास से। भीख मांगे यानी हमारे फैमिली के लिए या तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हमें क्या करते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। इसीलिए हमको क्या कहते हैं, हमारा कवि ने भीख मांगने वाले या हमारे दुनिया में रहने वाले लोग हैं पुराने भीख मांगने वाले। इस भीख मांगने वाले दुनिया से मैं कह लेते हैं क्या लुट कर जाते हैं, क्या लुट जाते हैं, क्या चोर चोर करके ले जाते हैं प्यार को। उसने क्या लेते हैं, यह दुनिया से प्यार लेते हैं या खुशियाँ लेते हैं। वे अपने हृदय में यही एक निशानी लेकर आगे चले हैं। उसके मन में क्या है, एक निशानी, एक चिन्ह क्या है, एक सिंबल क्या है, प्यार का सिंबल है, प्यार का सिंबल है। उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, हार भी मानी है, लेकिन उसका बोझ स्वयं ही उठाया है। उन्होंने जीवन में यानी उसकी ज़िंदगी में, उसके लाइफ में उसने फेल्यूर भी हुआ है और हार भी माना है और अनसक्सेसफुल भी होया है। ये सब उसके ऊपर ही, उसकी स्वयं ही उठाया है यानी किसी के ऊपर नहीं देते हैं, उसके ऊपर ही बोझ उसको उसका बार को उसके बार को उसके ऊपर ही उठाया है। उसका बोझ किसी पर नहीं डाला है, अर्थात उसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मानते हैं। हमें क्या करते हैं, हमें फेल्यूर हो जाने के बाद, हमें असफलता हो जाने के बाद हमारा फेल्यूर को किसी अन्य लोगों पर, अन्य व्यक्ति को ऊपर हमें डाल देते हैं। इसी तरह हमारा कवि कभी भी नहीं करते हैं, उसका फेल्यूर को भी उसके ऊपर ही रखते हैं। जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वह आबाद रहे, बसे रहे, यही आशीर्वाद देते हैं। उसने अपनी मंजिल पर रुके, कहाँ पर वह रुकते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, उसका पूरा आशीर्वाद को यानी उसका पूरा खुशियों को दे देते हैं। कवि कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंध देते हैं, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से, और हम स्वयं ही यह बंधन तोड़ आगे चल निकले हैं। हमें कवि कहते हैं कि हम स्वयं ही यानी खुद ही, मैं सेल्फ ही हमें बंधनों से यानी हमारे फैमिली बर्डन से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें ही ऐसा हमारा जीवन को बिताते हैं, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से, और स्वयं यह बंधन तोड़ आगे चल निकले हैं हम। लेकिन हमारा कवि ने क्या किया है, उस पूरा बंधनों को यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तोड़ दिया है और आगे निकल गया है। कवि का यह मानना है कि वे संकल किस्म के मस्त मौला आदमी दीवानों कभी किसी बंधन में नहीं बांधे है। इसका अर्थ क्या है, उसने कैसा व्यक्ति है, मस्त मौल करने वाले व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। उसका मन मर्जी अनुसार, उसकी मन मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं। अगर बंदी है तो वह अपनी मर्जी से और अब वो आगे बढ़ निकले हैं, अर्थात बंधनों को तोड़ चले हैं तो भी वे अपने मन मर्जी से ही उन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़े हैं। वह स्वयं ही इस बात का अफसोस जताते हैं, अपने जीवन में इस बात की हार मानते हैं कि वे कभी भी एक सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए, एक सांसारिक व्यक्ति का सुख नहीं भोग पाए। इस कविता में, इस पद्यांश से यह बताना चाहते हैं कि उसने एक फैमिली व्यक्ति नहीं है यानी एक फैमिली बर्डन से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसने बस बहुत दूर है, लेकिन उसने क्या करते हैं, उसने इस बंधनों को यानी इस पूरा फैमिली बर्डन्स को तोड़ दिया है और आगे चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वह स्वयं ही इस बात का अफसोस जताते हैं यानी, लेकिन इस बात से यानी फैमिली बंधन्स नहीं है, इस बात को उसने क्या बोलते हैं, उसने हार गया, इससे इस जिंदगी से हार गया। क्यों हार गया, इस सांसारिक यानी इस फैमिली का व्यक्ति नहीं है, हमें मुझे कोई भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है, एक सांसारिक व्यक्ति का सुख नहीं भोर पाया यानी एक फैमिली की व्यक्ति क्या हैप्पीनेस लेते हैं, संसार में क्या खुशियाँ होती है वो तो मुझे पता नहीं। क्यों पता नहीं, मुझे एक फैमिली व्यक्ति नहीं है, मैं एक फैमिली व्यक्ति नहीं है, मुझे एक फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली का बर्डन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए मैं भी एक हारने वाले व्यक्ति ही मानता है। मैं इस प्रसंग और व्याख्या को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से
ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी है। इसका काव्यांश में कवि प्यार की दौलत से हीन संसार को भिखारी कहते हैं और पकड़ होते हुए भी वे संसार पर अपना प्यार लुटाते हैं। इसका व्याख्या इसी प्रकार है, कवि के अनुसार यह संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलाते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त है। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति ना बन पाने की दर्द या निशानी उनके हृदय में है और यही बार उनकी सफलता है असफलता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न है और सदा चलते रहना चाहते हैं। कवि के अनुसार संसार यानी हमारा दुनिया, हमारा वर्ल्ड कैसा है, भिखारी है यानी भीख करने वाली एक दुनिया है, भीख मांगने वाले दुनिया है। इसके पास कुछ प्रेम नामक यानी प्यार नामक धन नहीं है। हमारे दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में क्या नहीं है, प्रेम नामक धन नहीं है। यहाँ पर प्रेम को धन से कंपेयर किया है। हम हर एक व्यक्ति को धन का कितना मूल इम्पोर्टेंट है, इसी तरह प्रेम का इम्पोर्टेंट भी दिया गया है हमारा कवि ने। किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह पर प्रेम लुटाते चलते हैं, लेकिन हमारा कवि क्या करते हैं, क्या किसके लिए जाते हैं हर एक जगह को, प्यार के लिए, प्रेम के लिए जाते हैं हर एक जगह से, कुछ ना कुछ प्रेम लेते हैं, संसार को अपना मानते हैं, हर यह पूरा संसार को यानी पूरा वर्ल्ड को अपना ही मानते हैं, इसीलिए वे बंधन मुक्त है। इसीलिए उसने फ्रीडम की, एक फ्रीडम की व्यक्ति है, स्वतंत्र की व्यक्ति है, यह पूरा दुनिया इसी की मानते हैं। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति ना बने पाने की दर्द या निशान उनके हृदय में है, यानी इतना प्रेम है उसके पास, कितना प्रेम है, सारा प्रेम है, लेकिन उसने एक सांसारिक व्यक्ति यानी फैमिली की पर्सन नहीं हुआ है। इस विषय के बारे में उसके मन में कुछ निशानियाँ है, कुछ चिन्ह है, इसी तरह दर्द या है, उसने क्या सोचता है, यह बार उनकी असफलता है, यानी मेरे पास कुछ तो फैमिली नहीं है, कुछ भी इतना प्रेम है लेकिन मेरे पास संसार नहीं है, इसीलिए मैं भी एक अनसक्सेसफुल या फेल्यूर की पर्सन हूँ। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। कवि के अनुसार माने उसके अनुसार क्या है, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति अपना नहीं है और कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है। हर एक व्यक्ति को एक ही तरह देखते हैं। वे कहते हैं वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं। इस बंधनों को उसने बंधी नहीं है, उसने उस बंधनों को स्वयं यानी खुद तोड़ दिया और आगे चल गया है तथा इससे वे प्रसन्न है और सदा चलते रहना चाहते हैं। इस फैमिली बर्डन्स को तोड़ने के बाद यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तोड़ने के बाद उसने कैसा है, प्रसन्न है यानी हैप्पी है और इसके बाद उसने कभी भी रुक नहीं सकते हैं और कभी भी क्या करना चाहते हैं, चलते रहना चाहते हैं। इस पद्यांश यानी इस पद्य से यानी इस कविता से हमको यह बताना चाहते हैं कि हम कभी ने हमें हमारा सक्सेसफुल या फेल्यूर यानी सफलता या असफलता को दूसरे व्यक्ति पर यानी अन्य व्यक्ति के ऊपर नहीं देना चाहिए। क्या आने तो भी मेहनत हम ही करते हैं, परिश्रम हम ही करते हैं, इसी तरह रिजल्ट भी हम ही लेना पड़ती है। इस शिक्षा हमको देते हैं इस कविता के द्वारा। आप इस कविता को और एक बार पढ़कर शब्दार्थ लिखकर और एक बार पढ़िए। और एक सेशन में और एक पाठ के द्वारा हम मिलेंगे। हरिओम, धन्यवाद।